बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7, वी विल डू एक्सरसाइज 10.2, पेज नंबर 143। फॉर्मूले, ये फोर फॉर्मूलेस हैं। एस पी इज इक्वल टू गेन प्लस सी पी एंड एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस एंड गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये लर्न कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन परचेज अ टेबल फॉर ₹750। एक आदमी है, उसने घड़ी टेबल खरीद परचेज की है ₹750 की। फॉर हाउ मैनी रुपीज शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 5%। और उसको गेन जो है वो 5% का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस बतानी है कितने के कितनी रुपीज़ में उसने बेची, ठीक है। ये तो आपको बताना है। और गेन आपको इसमें गेन भी मालूम करना है, क्योंकि जब गेन परसेंट दिया हुआ होता है तो गेन भी मालूम करते हैं। तो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन परसेंट आपको गिवन है, आपको 5% है, तो मैंने 5 वहाँ लिख दिया। इक्वल टू गेन अपॉन, क्योंकि यहाँ से फाइंड करना है, गेन नहीं दिया हुआ, गेन परसेंट दिया हुआ है, वो तो हमने लिख दिया, गेन नहीं है, एक अननोन वैल्यू होगी। और सी पी वहाँ में हमें दिया हुआ है 750, वो हमने डिवाइड में लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें मैंने बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, क्योंकि गेन फाइंड आउट करना है, तो ये 750 और 100 को यहाँ से हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो 750 डिवाइड में था, तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और 100 जो तो मल्टीप्लाई में था गेन के साथ, वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू गेन, और गेन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइड बाय 100। 750 का 0 100 से कैंसिल हो गया, फिर अगेन कैंसिल किया हमने, 5 वन 5, 5 टू 10। 75 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे 37.5 रुपीज़ का गेन आया, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब सेलिंग प्राइस में रुपीज़ बताना है कितने का इन्होंने बेचा है। गेन तो हमें पता चल गया, हमें कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे। एस पी इज इक्वल टू गेन प्लस सी पी, गेन को ऐड किया 37.5 में, हमने 750 ऐड किया, तो आपका 787.5 आ गया, तो आपका आंसर आ गया एस पी इज इक्वल टू 787.5 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन, अ मैन परचेज अ वॉच फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 4%, फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। डेटा है आपका, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ₹250 उन्होंने वॉच खरीदी एंड लॉस परसेंट हो गया उनको 4%। एस पी वी विल फाइंड आउट एंड लॉस वी विल फाइंड आउट। तो फॉर्मूला है आपका, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो लॉस हो गया है। एक शख्स ने जो वॉच खरीदी थी ₹250 की, तो उसके बाद उसको 4% लॉस हो गया, तो हमने सेलिंग प्राइस बतानी है कितने रुपीज़ में उसने जो बेची है, जो रुपया जो हमें लॉस हुआ है, ठीक है। हमें परसेंटेज तो हमें दी हुई है इसको लॉस की, मगर रुपीज़ नहीं है फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो हमें नहीं पता है। तो हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो लॉस परसेंट की 4 वैल्यू रखी, क्योंकि हमें गिवन है, एंड इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी की वैल्यू 250 गिवन है, तो वो हमने पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू लॉस। लॉस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 250, जो अननोन चीज़ होती है वो लेफ्ट साइड लिखते हैं, इसलिए मैंने लॉस और करके लिखा हुआ है। लॉस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 100। 250 का 100 से एक 0 0 कैंसिल हो गया, और आपका आ गया 5 5 25 5 2 10, और 2 1 2 2 2 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 है, आपको उससे मल्टीप्लाई किए, 2 5 10, लॉस ₹10 का लॉस हुआ है, ठीक है। फार्मूला निकालना है हमने, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टू कॉस्ट प्राइस हमें आ रहा क्या गिवन है 250, माइनस लॉस इतना निकल कर आया 10, 250 में 10 माइनस कर दिया तो 240 रुपीज़ आ गए। तो उन्होंने वो जो रुपीज़ ने सेलिंग प्राइस की है वो 240 रुपीज़ की है। होमवर्क के डू कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 2, 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 इन अरिथमेटिक कॉपी। ओके, अल्लाह हाफिज़।